अब इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प राउंड, रैपिड फायर राउंड, जहां छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं, एक शब्द या एक वाक्य में, और उसमें तो आप माहिर हैं, अपनी बात छोटे में कह देना। नहीं भी होंगे फिर भी जवाब तो देंगे। ओके, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का, इमरान प्रतापगढ़ी इस देश का सबसे बड़ा शायर आप किसे मानते हैं? देखिए, ये रैपिड फायर का सवाल नहीं है दरअसल, ये सवाल आप कई लोगों से प्यार करते हैं। आप दो नाम ले सकते हैं। चलिए, मेरा मानना है कि मैं बशीर बद्र और राहत इंदौरी। ओके, बशीर बद्र, राहत इंदौरी। इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता आप किसे मानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, आज की तारीख में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा नेता कौन है? नहीं, कोई मसीहा नहीं है, बहुत अनाथ स्थिति में है कम्युनिटी। कोई मसीहा नहीं है। मुस्लिमों को इससे कौन निकाल सकता है, कौन सा नेता है? देखिए, जो संविधान को इस देश में लागू कर पाए असल में, वही हर पिछड़े समाज को, हर मजलूम को आगे निकाल सकता है, और वो ईमानदाराना कोई कोशिश कर रहा है तो राहुल गांधी। ओके, सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी आप किसे मानते हैं? देखिए, जो संविधान विरोधी है वो हिंदू मुस्लिम हर वर्ग का विरोधी है। जो भी नफरत की बात करे, जो टारगेट करे, वो विरोधी है, वो संविधान का विरोध। मैं फिर उसको एक धर्म से अलग हटके लाऊंगा। जो अगर किसी समाज से नफरत कर रहा है तो वो संविधान से नफरत कर रहा है। क्या मुसलमान कभी देश में प्रधानमंत्री बन सकता है, आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं, या पता नहीं? बिल्कुल बन सकता है, बनना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? बनना चाहिए, बनना चाहिए, पर आपको लगता है कभी बनेगा? आज के हालात में बनने की संभावना है? बनना चाहिए, यही कहूंगा, बनना चाहिए। देश का सबसे प्रॉमिसिंग नेता आपको कौन लगता है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता हो, युवा नेताओं में? नहीं, बहुत सारे नाम हैं जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, और बहुत सारे नाम है, किसी एक दो नाम लेकर के मैं बाकियों को नाराज नहीं कर सकता। समझ गया, यही है ना सवाल, थोड़ा ट्रिकी होता है ये। ओके, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? नहीं, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और इस पर मैं लंबी बहस करने के लिए तैयार हूं। ओके, फिर कभी करेंगे। हाँ, रैपिड फायर में अगला सवाल, इंडिया या भारत? इंडिया, दैट इज भारत। बहुत बढ़िया। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है, जैसे आरएसएस कहता है? जो ये कहता है वो संविधान को नहीं मानता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को नहीं मानता। और अगर बीजेपी ने संविधान बदलकर वहां से सेक्युलर शब्द हटा दिया तो? क्या बदलना चाहती है बीजेपी संविधान? ओके, क्या मदरसों में सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जानी चाहिए? नहीं, और सिर्फ दी भी नहीं जाती, ये भ्रम है। ये जबरदस्ती का बनाया हुआ एक भ्रम है। अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है, और कंप्यूटर, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्या सभी मदरसों का देश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई मदरसा बोर्ड से संबद्ध नहीं है तो भी रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं रजिस्टर्ड नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? बहुत जल्द, 2024 में पीएम कौन बनेगा? मेरा सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। धारा 370 कश्मीर में 370 हटाने पर आपका स्टैंड क्या है? जो कांग्रेस CWC का स्टैंड है। ओके, वो तो अभी आया ही है। कॉमन सिविल कोड पर आपका स्टैंड क्या है? आप इस देश को एक रूपता क्यों देना चाहते हैं, आपको अलग अलग रंग के फूल अच्छे क्यों नहीं लगते? राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस नेताओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जिसको भी बुलाया जाए ये उसकी व्यक्तिगत मर्जी है। आप, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर के भी उद्घाटन में जाना चाहिए, और जो वहां मस्जिद बन रही है उसके उद्घाटन में भी जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, सवाल के जवाब में सवाल उछाल दिया, जाना चाहिए। ओके, आपको राज्यसभा में कौन लाया, राहुल गांधी को श्रेय देंगे इसका? कांग्रेस पार्टी लाई, पार्टी महाराष्ट्र के तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दे के चुना। मैं इसीलिए कह रहा था ना, आप मंझे हुए राजनेता बन गए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, किस किसको श्रेय देना है ये भी एकदम जहन में। आम आदमी की तरह महाराष्ट्र के विधायकों को नहीं भूल सकते। कैसे भूल सकते, उन्होंने वोट ना दिया होता तो मैं चुन के थोड़ी बैठा होता। बहुत बढ़िया, मान गए। आपका राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? राहुल गांधी। राजनीति में कौन लाया? राहुल गांधी। बेस्ट शायरी आपकी कौन सी? फिर से पूछ रहा हूँ, वो मैं फिर वही जवाब दूंगा कि एक माँ से आप उसके कौन सा बच्चा ज्यादा प्रिय है। नहीं, अच्छा, सबसे ज्यादा तालियां कौन से नज्म पे पड़ती हैं? वो मतलब मैं अब कोई मानक नहीं है इसका, मेरी शायरी। होता क्या ना, देखिए, तालियां बजवा लेना एक अलग हुनर है। हाँ। वो मैं किसी भी तरह की पंक्ति पे बजवा सकता हूँ। वो अच्छी कविता पे अच्छी ताली बजे ये जरूरी नहीं। अंदर से अब शायर ज्यादा महसूस होता है या शायर?
अभी भी शायर? बिल्कुल। नेता महसूस नहीं होता? वो महसूस करना भी नहीं चाहता मैं। जिस दिन आप पूर्ण रूप से नेता बन गए, हाँ, उस दिन फिर आपके अंदर का शायर मर जाएगा, और मैं अपने अंदर के शायर को कभी नहीं मरने दूंगा। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा या कोई शब्द, आपके जहन में जो पहला शब्द या वाक्य आता है आपको वो बताना। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा की मदद करना कम कर दें, ये सलाह है मेरी उनको। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, बोलने से पहले 100 बार सोचिए आपके बोले गए शब्दों का दुनिया में क्या असर होता है, वो आप नहीं समझते। मुसलमानों के नेता माना जाता है उनको, सबसे बड़े दोनों ओवैसी। मैं नहीं मानता अपना नेता, मैं भी मुसलमान हूँ। अखिलेश यादव अच्छे इंसान है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे मुख्यमंत्री भी साबित हुए थे। ओके, कमलनाथ तो उन्हें अखिलेश वखिलेश बोल रहे थे, गलत बोला था उन्होंने, नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बढ़िया। मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने सामने बैठ के मेरी कविताएं सुनी हैं, मुझे बहुत सराहा है, तो मेरा उनसे एक अलग तरह का रिश्ता है। नेताजी इस देश में सुभाष चंद्र बोस के बाद किसी नाम के साथ फिट होता था, मुलायम सिंह जी के साथ। ओके, मायावती बड़ी मुख्यमंत्री रहीं, अच्छा कार्यकाल रहा, इन दिनों मुझे लगता है कि मिशन से भटक गई। मिशन से भटक गई, ओके। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी मुख्यमंत्री, किसी का वस्त्र उसके लिए न तो आलोचना का पात्र हो सकता है न तारीफ का, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो सबके लिए समान हो जाए तो मुझे लगता है प्रदेश ज्यादा खुशहाल हो। मतलब अभी नहीं है सबके लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, साध्वी प्रज्ञा, वो आतंकी आरोपी हैं। गिरिराज सिंह गोडसे की हिमायती हैं। गिरिराज सिंह अप्रासंगिक हैं राजनीति में। एसटी हसन मुरादाबाद के सांसद, जिनसे आप हारे थे। बिल्कुल, अच्छे इंसान है, अच्छे लेकिन राजनीति के लिए कैसी हुई थी, राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं है, शरीफ इंसान। ओके, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह अपने नारे जो उन्होंने दिए हैं उन नारों को सही से इंप्लीमेंट करें। अमित शाह जी गृहमंत्री हैं, अपनी छवि सुधारने की कोशिश करें, गृहमंत्री का जो कर्तव्य है उसे और अच्छे से निभाएं। ओके, राहुल गांधी हमारे नेता सोनिया गांधी, देश में बहुत कम राजनीतिक लोग हैं जिनके लिए आपके मन में आदर से थोड़ा सा एक गहरा और शब्द होता है, श्रद्धा। ओके, तो जब वो सामने बैठती है ना तो ऐसा लगता है कि वो मुनव्वर साहब का एक शेर है कि चलती फिरती हुई आंखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है। तो उनको जब भी सामने देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ बैठी हुई है, और वो मतलब सारे बच्चे उन्हें अपनी माँ मान सकते हैं। प्रियंका गांधी दीदी हैं, बिल्कुल दीदी हैं, और बहुत मतलब अच्छी राजनेता हैं। मुनव्वर राणा बड़े शायर, हमारे कुनबे के बुजुर्ग, उनकी सबसे ज्यादा शायरी आपको कौन सी पसंद है? बहुत सारी हैं, मतलब खूब सारी याद भी हैं, खूब सारी शायरी उनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है उनके। मैं मतलब होता ना चुन पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उनका एक शेर है कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, बहुत गंभीर बात हो गई इसलिए शेर सुना, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि मेरा इंतजार दूसरा भी करता है। क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया। कुमार विश्वास अब मेरे अच्छे साथी हैं, और कवि सम्मेलनों में उनके साथ खूब मेरा साथ रहा। साथ रहा या कभी नहीं बहस कभी, कभी होती कोई है। बहस, होती है ना, कभी होती है। कभी बहस जैसा कुछ नहीं था, वो हमारे सीनियर। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, जितनी मेरी उम्र है उतना उनका मंचों पर जीवन है, मतलब मेरा ख्याल है 36-37 साल से ज्यादा वक्त से वो मंचों पर हैं, तो वो नो डाउट हमारा उनका कभी, उन्होंने खूब सारे कार्यक्रम उनके साथ पढ़े, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है हमारी उनकी, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, वो बड़े भाई की तरह है। ओके, अतीक अहमद अब नहीं है, मरहूम है। मुख्तार अंसारी अब कई बार के विधायक रहे, माफिया होने का भी आरोप है, लेकिन अब वो मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मतलब जेल में ही हो, तो कभी बाहर सार्वजनिक तौर पर रहे ही नहीं, तो कोई साबिका नहीं रहा मेरा। उमर खालिद से एक आध मुलाकात हुई जेएनयू में मेरी, और मुझे लगता है कि इस देश में चंद ऐसे लोग जिनके साथ कार्यपालिका न्यायपालिका हर जगह मतलब नजरअंदाज और अन्याय हो रहा है, उसमें से उमर खालिद एक चेहरा है। ज्योतिरादित्य खालिद की जो इमेज बनाई गई वो बिल्कुल वैसा नहीं है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था तो, और वो किसी का शेर है ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के। नहीं, वहां तो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। ठीक है, कैबिनेट हम तो देखते हैं, जब से कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मतलब एयर इंडिया भी बिक गई, कुछ बच रहा है क्या उस विभाग में? आप बताओ ना, तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो तो क्या ही मतलब है उसका। नुपुर शर्मा, मुझे लगता है कि अस्तरहीन सवाल, मेरे लिए जवाब देने का कोई मतलब नहीं है सवाल का, पूरा देश जानता है कि वो क्या है। कन्हैया लाल, वो टेलर जिसकी गर्दन काट दी गई थी, गलत हुआ और प्रशासन ने आरोपियों को पकड़ के जेल भेजा, इंसाफ उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा, सरकार ने अपने स्तर पे हर प्रयास किया उनके परिवार को इंसाफ देने के लिए, मुआवजा दिया, किसी की जान लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन जो भी था वो अच्छा नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं बात तो आप। कोई नज्म आपके जहन में अभी आ रही है? क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो ऐसे है नहीं, बिना सुनाए नज्म है, मैं कौन सी सुनाना चाहेंगे? एक नज्म जो कहीं नहीं सुनाता हूँ वो सुना देता हूँ आपको। हाँ, तरन्नुम में सुनाता हूँ। हाँ प्लीज, हो जाए। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आपने कई सारे नाम ऐसे गिनाए ना कि मुझे लगता है कि मुझे अब ये नज्म जरूर पढ़नी चाहिए। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तो नहीं, मैं ताली बजा देता हूँ। नहीं, शुक्रिया, आपकी तालियां बड़ा संदेशा देती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया इमरान प्रतापगढ़ी इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच चाय वाला इंटरव्यू के लिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मानक भाई, थैंक यू।